नहीं नहीं आंटी रोना नहीं है बाबू, चुप कराओ आंटी, दो आंटी पानी पियो, चुप कराओ चुप कराओ, अरे आंटी जी भाजन चुप करा बेटा, आंटी मेरी बड़ी बेटी, ये काम करना पड़ रहा है। इसके पीछे रीजन ये है, मोहल्ले की लड़कियों को डेली छेड़ने आता रात को 2 बजे, गाड़ी तोड़ देंगे उसकी, बारा बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, क्या लड़की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना तहलका भाई। आज हमें ये काम करना पड़ रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है, मोहल्ले की लड़कियों को डेली छेड़ने आता रात को 2 बजे का लड़का, जिसकी गाड़ी का नंबर है 1883, पिछले 7 दिन से आ रहा है वो, आज उसकी हालत ख़राब करेंगे, थाने में उसको बंद करवाएंगे, गाड़ी तोड़ देंगे उसकी। बारा बारा अरे बारा बाहर आ जा, हैं नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, बारा बारा बारा, अरे क्या मुझे बारा 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 बार बाहर निकल, इसकी चाबी निकालो मांगल, अरे ओ भाई ओ ओ हेलो, क्या लड़की छेड़ रहा है, क्या लड़की छेड़ रहा है, लेनी है, क्या लड़की छेड़ रहा है ये तो बता, क्या छेड़ रहा है ओ भाई, क्या भाई, ये वो बदतमीज बंदा है, गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर पहले तो, एक बार हो गई भाई, बंद हो गई, 100 नंबर पे कॉल कर मजा, एक बार अरे भाई बात क्या होगी, बात तो बताओ, अरे रुक जा ना, डेली तू आ रहा है, ओ हेलो पीछे वाली गली में डेली लड़की छेड़ने आ रहा है, ओ भाई किसने लड़की, ओ भाई फोन दो, ओए ओ चाबी दो भाई, क्या बात है, तेरी चाबी का ना साला का, ओ भाई फोन कर दूंगा पर मैं, ओ भाई फोन दो, ओए दोस्तों ये एक मैसेज वीडियो थी, मतलब मैसेज ये नहीं कि किसी की गाड़ी तोड़नी है, मैसेज वीडियो है कि वीडियो जानी चाहिए 100 मिलियन। ये मेरा छोटा भाई है, भाई के ग्रुप का बंदा, आज सीरियस है, आज पूरा परिवार, मतलब परिवार डेली रात को रोता है भाई, माँ का इकलौता बेटा, माँ डेली रोती है यार, उसके घर जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि आप देखते हो मसालेदार वीडियो, आपको चाहिए फनी वीडियो, आप कभी भी मदद की वीडियो पूरी नहीं देखोगे। पंकज मैंने जहाँ तक नोट किया ना भाई, 10 लाख जाती है, 15 लाख जाती है हेल्पिंग वाली वीडियो, भाई इस वीडियो को बता देना 50 लाख से ऊपर, क्योंकि भाई परिवार को बहुत सारा फंड चाहिए भाई, उसकी ज़िंदगी बचनी चाहिए बच्चे की यार, क्योंकि परिवार कर्जा ले चुका है बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना तहलका भाई, छोटा भाई है मेरा, बहुत प्यारा, एक समय था हम साथ में, हमने शूट भी किया, छोटे तेरे को याद है क्या, भूल गया, याद है ना पंकज भैया के साथ, तो इस टाइम छोटे को आपके प्यार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे का इलाज इस टाइम होने वाला है, जिस पे खर्चा आएगा भारी भरकम, मतलब इतना मोटा अमाउंट है कि परिवार बताएगा आपको, और छोटे को दिक्कत किस लेवल की है कैसे, वैसे तो अभी छोटा बोल पा रहा, तो छोटे से बात करेंगे। अब वो क्या हुआ तेरे को, अभी मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसका ऑपरेशन बोला है, ओपन हार्ट सर्जरी का। अच्छा, अभी आप मेदांता में एडमिट भी रहे हो, कितने दिन, मैं तो 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मतलब अप डाउन। मेरा क्या हुआ था अचानक से आपको, मेरे को एकदम से लंग्स में दिक्कत आई थी, फिर लंग्स का फ्लूड हार्ट में भर गया था, फिर उसका ऑपरेशन हुआ पहले, फिर अभी दोबारा बोला है ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हार्ट। वो एक बार मेरे को आपने कुछ दिखाया था, अभी क्या है दिखा ना एक बार, ये क्यों लगाया बताओ एक बार, ऑपरेशन हुआ था, हाँ जी, तो यहाँ पे वो एक वो लगी हुई थी बॉटल सी, तो उसमें से बेकार फ्लूड निकलता था, okay. तो अभी तक निकल ही रहा है, क्योंकि मेरे को ना ये लंग्स में यही प्रॉब्लम थी, फ्लूड भर जाता था बाहर। छोटे को बनना है एक्टर जीवन में, और बहुत कुछ जीवन में करना चाहता है, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, एक समय था मैंने इसकी मेहनत देखी थी, इसकी मतलब हिम्मत देखी थी मैंने, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, ये एक टाइम पे 10-10 काम करता था, शूट कैमरा उठाना, ये करना, एडिटिंग करना, उसको बनाना, क्रिएट करना, मतलब हर एक चीज़ में ये खतरनाक खिलाड़ी था, पता नहीं अचानक से किसकी नज़र लगी है, लेकिन इस टाइम छोटे की ज़िंदगी आप सबके हाथ में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे की इनको नीड है, परिवार को, घर की स्थिति देख ही रहे हो आप, पैसे की छोटे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इस टाइम डोनेट कर सकते हो, इन्हीं का मैं बारकोड लगा रहा हूँ, इन्हीं का मैं नीचे अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, इन्हीं का पेटीएम नंबर डाल रहा हूँ मैं, और मेरे को जानकारी दी है पूरी की पूरी मेरे छोटे भाई ने, पंकज ने। पंकज कैसा है, बढ़िया भैया, साथ ही रहता था हमारे साथ का ही भाई है, एक शूट पे मैं भी आया था, छोटा भी आया था, उस दिन मैंने इसका टैलेंट देख लिया था बाबू, और इस टाइम बहुत परेशान है, हम लोग भी परेशान है, मम्मी भी परेशान है, इनकी बहन भी परेशान है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी किसी से हो पाए, 100, 200, 500, 1000 लाख जो भी हो पाए,
भरपाई करो। बिल्कुल पंकज, तेरे तो चाहने वाले इतने हैं, बस 10-15 लाख तो आराम से डोनेशन भगवान की कृपा से आने चाहिए बाबू, माता रानी की कृपा। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बात करेंगे इनके परिवार से, इनकी मदर से। नमस्ते आंटी जी, कैसे हुआ? क्या लगता है मतलब डॉक्टरों ने क्या बोला आंटी की, लाइक ऑपरेशन होगा और इसमें भी क्या स्थिति है बेटे की, क्या बताया? अभी तो बस ऐसी है, ज्यादा ठीक नहीं है मतलब। अच्छा ठीक नहीं है अभी। खाना वाना खा पा रहा है? थोड़ा बहुत खाता है। थोड़ा बहुत खाता है, पानी वानी तरीके से पी पाता है या नहीं? थोड़ा बहुत ही पीता है, एक आध रोटी खा ली तो खा ली, पूरा दिन ऐसे पड़ा है। अच्छा, तो चल भी नहीं पाता अभी, पकड़ पकड़ के ले आना पड़ता है। तो माँ भी दोस्तों इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पंकज एक बार आंटी के लिए पानी लेकर आओ। नहीं नहीं आंटी, रोना नहीं है बाबू, चुप कराओ आंटी, आंटी पानी पियो, चुप कराओ, चुप कराओ भाजन, चुप कराओ बेटा, आंटी आगे सोचा था इसके बनने के लिए, चुप कराओ बेटा, माँ हो जी आंटी, चुप हो जाओ, पूरी कोशिश है, आपको सपोर्ट मिलेगा। अरे भारत की जनता इस वीडियो को शेयर भी करेगी और मैं कह रहा हूँ तैयार रहता था, कभी भी मना नहीं करी हमने, पढ़ता नहीं था सब कुछ, हमारा एक ही बेटा है और कोई है ही नहीं। रो मत, दिल छोटा मत करो, देखो वो भी उदास हो जाएगा। नहीं आंटी रो मत, देखो दिल छोटा कर रहे हो। नहीं नहीं पानी दे बेटा, पानी दे माजल, पानी दे, पानी भी आंटी जी। वही आंटी, यार ये दर्द ना यार पंकज देखा नहीं आता, भारत देश लड़का है, एक लौता लड़का है इनका, इसको बहुत ज्यादा कभी अपने ऊपर पे खड़ जा, चुप को ये पानी बोलो, आरा ग्लास दो बेटा, पहले नीचे बैठा माजल, मुझे पहले भी है, मैं कितनी परेशान थी, बैठो आंटी बैठ जाओ, बैठ जाओ आंटी जी, बैठ जाओ। अच्छा आंटी मेरे को बेटा मानते हो, सुनो मेरी बात आंटी, बेटा मानते हो ना, भरोसा करते हो भगवान पे, है पूरा भरोसा है ना परमात्मा पे, भगवान ठीक करेगा छोटे को, मेरी बात सुनो आप, भारत की जनता इतना तगड़ा प्यार देगी ना आंटी, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कर्जे में डूब चुके हैं, इसके इलाज करवा रहे हैं, कितना पैसा लग गया आंटी अब तक? 15 लाख रुपए लग गया। मैं कह रहा हूँ 20 लाख रुपए इस वीडियो से आएगा आपके पास, और बताओ आप। हमारे पास है भी नहीं कुछ सिवा इस मकान के सिवा, कुछ भी नहीं होगा, चिंता ना करो, ये भी कर्जे में चला गया इस टाइम पे, ये भी कर्जे में चला गया, मकान भी इन्होंने इतना इधर उधर से उधार कर लिया। पंकज मैं तेरे को दावे के साथ कह रहा हूँ, जो डोनेट नहीं कर पाएगा ना वो वीडियो को इतना शेयर करेगा, इतना शेयर करेगा, इस प्यारे से बच्चे की जिंदगी बचाएगा। बाबू तूने तूने हिम्मत नहीं हारनी, तू हिम्मत हार गया ना या तू टूट गया तो बाबू देख तेरी ये माँ खड़ी है जो सिस्टम टूट गई है, तूने खाली इतना बोलना मम्मी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, बस पूरी पूरी रात नहीं सोते हम इसके लिए, लगे रहते हैं तीनों माँ बेटी, रोते रहते हैं हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, इनकी रियल सिस्टर है। हाँ, मेरी बड़ी बेटी। दोस्तों इस प्यारी सी माँ के आंसू पोंछ देना, आप सबके हाथ में है इस टाइम, इस वीडियो को कम से कम 100 मिलियन तक लेके जाना यार, इस परिवार को कितने कितने पैसे की नीड है पंकज? कम से कम 30 लाख रुपए की नीड है, और अगर आपको लगता है आप डोनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर देना, जिस तक ये वीडियो जाएगी हो सकता है वो कुछ मदद कर दे, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सोच रहे जो भी कुछ है मांग मांग के सब इसी के ऊपर लगा रहे हैं, जैसे खाना खाने का मन भी नहीं करता पूरा दिन आंटी डेली छोटा और मैं इतने दुख देखते हैं ना, मतलब हमारी ना सिस्टम बॉडी कांपती है कि यार भारत देश में कितना दुख है यार, और ऐसी बात नहीं लोग मदद नहीं करते आंटी, यकीन मानना, ये छोटा बताएगा, छोटे उस बच्चे को इंजेक्शन लगाना था 12-13 लाख रुपए तुरंत आए थे, तो जनता ना आंटी दिल खोल के प्यार देती है, आप भगवान ने भरोसा करो, आपने अच्छे कर्म करे ना, किसी का बुरा नहीं करा ना आपने, अच्छा होगा। इतने इतने बच्चे पूछते इनके साथ वीडियो बनाता था, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता था, भैया जा रहे हैं, ये ठीक भी होगा, ये ठीक भी होगा, मुंबई भी जाएगा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा ये, पता नहीं आपकी दुआ लगे भगवान करे। पंकज तेरे जितने भी भाई यूट्यूबर दोस्त हैं और जो देख रहे हैं, भाई सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर दे, सबसे रिक्वेस्ट है यार, जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज शेयर कर देना, और अगर आपको लगता है कि आप 100, 200, 500, 1000 जो भी आपकी जेब से हो सकता है किसी की जान बचाने के लिए, तो भाई हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट है कर देना। और मेरे को यूपीआई नंबर परिवार का, परिवार का ही है, बताओ जी अपना यूपीआई नंबर बता दो, यहाँ पे भी लगा देंगे हम, बता दो एक बार, आप भी बता दो, 9871219796 ये आपका यूपीआई नंबर है, दोबारा से रिपीट कर दो, 9871219796 किस नाम से आएगा ये? सोनिया नाम से। और मेरे को आंटी वो दे दो, क्या बोलते हैं खाता नंबर दे दो, मैं उसकी फोटो क्लिक कर लेता हूँ, फोटो दे देना ठीक है, और एक एक बारकोड, एक बार फोन इसी नंबर का बारकोड भी खोल दो, बारकोड खोल दो, ये सोनिया के नाम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना, इस प्यारे से बच्चे की जिंदगी बचा लेना। आंटी जितना पैसा सब लगा दिया आपने? हमने तो कर्जा ले रखा, 10 लाख रुपए तो कर्जा ले रखा। अच्छा जी,
झूठ नहीं बोल रही, रात की कसम है भगवान, मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं नहीं बिल्कुल आंटी बिल्कुल, मेरे कभी हमारे ऐसे दिन नहीं आए जैसे अब आए। इनसे पूछो बचपन से देखते आ रहे हैं, सब ठीक होगा। अंकल जी का, अंकल जी को बुलाओ ना एक बार। अंकल जी भी रिक्शा चलाते हैं, सुप्रीत के पापा 35-40 साल हो गए रिक्शा चलाते, उनको भी 40 साल हो गए। खाता नंबर वही रोज का खाना कमाने वाली बात है। IFC कोड सारा दिखाओ एक बार। धूप में 200-300 रुपए का काम नहीं होता, पूरा दिन इतनी गर्मी में बाहर रहते हैं। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते, चिंता मत करना अंकल जी, बेटा ठीक होगा आपका। भारत की जनता बहुत प्यार करती है मेरे को, विदेश में प्यार करने वाले बहुत बहुत लोग हैं मेरे को। बिग बॉस में देखा था ना, आते हैं। बेटा ठीक होगा अंकल आपका, सारा का सारा पैसा डोनेट करेगी जनता, आपका बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है। भगवान ने भरोसा रखना अंकल, बस उदास मत होना अंकल जी। गर्मी लगती है, विदेश में इतने लोग मेरे को प्यार करते हैं, भारत में इतने लोग प्यार करते हैं, सारे दिल खोल के डोनेशन करेंगे। आपने हार नहीं माननी, ठीक है अंकल जी, आई लव यू। दोबारा आएंगे, कराएंगे, चिंता मत करो। अभी आप डेली का कितना कमाते हो अंकल? अच्छा, वो सुनाई नहीं देता सनी भैया। अच्छा अच्छा, बस काम से ना 250-300 के करीब। अच्छा, मशीन का अंकल जी की मशीन का रखे, ले जाओ, लेके आओ, लेके आओ। अच्छा अंकल जी को थोड़ा सुनने में दिक्कत है, जिसके चलते यार ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है परिवार में, तो आपको बहुत समझना पड़ेगा, दिल से प्यार से भाव से आप ही सहारा हो इस टाइम यार। ये तो पल्स चेक करना। अच्छा लो लो, इतना अच्छा लगता है सबके बच्चे खा रहे हैं कमा रहे हैं। जी अंकल जी नमस्ते, आवाज आ रही है अंकल जी? सही सुन पा रहे हो? हाँ। चिंता मत करना बेटा, ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक, भरोसा रखना अंकल जी भगवान पे। विदेश में लोग मेरे को प्यार करते हैं बेशुमार, भारत देश में बहुत लोग मेरे को प्यार करते हैं, ठीक है ना? हार मत मानना बस आप। बस ये सारा का सारा मैंने इसमें बार कोड दे दिया, आपका खाता नंबर दे दिया, जनता पैसा डालेगी सीधा आपके खाते में आएगा। बाबू हिम्मत, ठीक है, भगवान है भरोसा, जनता पे भरोसा, वो तेरे को ठीक करके लाएगी। कोशिश कर रहा था जितना जल्दी हो पाए, बट अब आज का इतनी रात वो जब हम, और ये रात के मेरी घड़ी नहीं चल रही, मैं टाइम दिखा देता हूँ रात को कितने बजे हैं। आपने परसों भी बोला था, परसों भी सारे दिन देखो रात के 1:31 हो रहे हैं, 1:30 बज रहा है रात का जब हम आए हैं, सन्नी भैया भी आए हैं, नींद थोड़ी देखनी पड़ती है ऐसे टाइम पे तेरी यार। तो बस इसलिए हम पता है रात रात भर जग के इसके लिए रोते हैं। मैंने इनसे भी पूछा ना, तो इन्होंने मेरे को बताया कि हम 4-5 बजे ऐसी हालत हो जाती है, पता नहीं अब कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब भैया ने कुछ बताया था कि पैर दबाने पे क्या होता है, सुइयां चुभती है, उछल जाता है। अच्छा जी, पंकज जी फोटो क्लिक कर मेरे को भेज भाई, ये रही। चलो यार ये चेक मैं दिखा भी देता हूँ, इन्हीं की है ये, दिखा दे दिखा, सब कुछ इन्हीं का ही है। इधर इधर ये रहा सोनिया, इनकी सिस्टर का नाम है ये। हाँ मेरे को वो फोटो भेज, इसकी फोटो भी भेज रहा हूँ सनी भैया को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। बस आपके बस अगर आप, आपको लगता है कि आप डोनेशन नहीं कर पा रहे या आपके पास नहीं है पैसा, तो एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो 100, 200, 500, 1000, 2000 कुछ भी डोनेट कर पाए अपनी तरफ से। क्या धन्यवाद।